नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू समोसा इन एयर फ्रायर। एंड इसके लिए आपको आलू चाहिए। आलू को उबाल के उन्हें बारीक बारीक कट, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करना है और उसमें जीरा, सरसों के दाने और धनिया दाने डालकर आलू को उसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक के बाद आपको इसमें डालना है लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और हल्दी पाउडर। इसमें आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जब पक जाए तो उसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी और हरा धनिया ज़रूर डालें, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद आपको लेना है मैदा। मैदा उतना ही ले जितने आपको समोसे बनाने हैं। और उसमें आपको क्रश करके डालना है अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद आपको नमक डालना है। नमक डालने के बाद थोड़ा सा मोयन डालना है तेल का, या फिर आप घी का भी डाल सकते हैं। और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मोयन डालने से आपके समोसे अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। मैदे को अच्छे से गूंद लें। और मैदा याद रखना, ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। जब मैदा अच्छे से गूंद जाए उसको आपको रेस्ट करने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट ज़रूर रखना है। उसके बाद मैदे से लोई ले लें और इसको बेलना शुरू कर दें। याद रखिएगा, जब आप बेलेंगे तो इसको बहुत ही पतला बेलना है। बहुत ज़्यादा मोटा बेलने से जो आपके समोसे हैं वो क्रिस्पीनेस नहीं आ पाएगी उसमें। तो जब आप इसे बेल लेंगे अच्छी तरीके से, तो फिर आपको चाकू की मदद से इसको बीच में से एक कट लगाना होगा। अब समोसे के दो पार्ट्स हो चुके हैं। उसमें से जो एक पार्ट है उसको लेकर आप उसके दोनों पार्ट्स को पानी से चिपकाकर ट्रायंगल शेप देकर उसमें आलू की स्टफिंग करें और उसके भी दोनों कॉर्नर्स पानी से अच्छी तरह से चिपका दें डबल पर। और इसके बाद आपका समोसा रेडी है। ज़रूरी है क्योंकि इससे वो आपस में इजीली चिपक पाएंगे, अदरवाइज वो फ्राई करते वक्त या खुल भी सकते हैं। तो ये आपको समोसा तैयार कर लेनी है और उसे एयर फ्राई ट्रे में रख के उसमें थोड़ी सी ऑयलिंग करें जिससे कि उसका मॉइस्चर बना रहे और वो ड्राई ना हो। आप इनको डायरेक्ट तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। और अगर आप इनको एयर फ्राई करना चाहते हैं तो आप 2 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 16-17 मिनट के लिए इसे एयर फ्राई कर सकते हैं। एंड एयर फ्राइड समोसे बनकर तैयार है और विदाउट एनी ऑयल। एंड ये आपको बहुत टेस्टी लगेंगे, इसे हरी चटनी के साथ ज़रूर खाएं।